नोएडा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो बदमाश भागने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि सेक्टर 49 पुलिस को फेज 3 इलाके में बदमाशों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस का चेकिंग अभियान जारी था। वहीं 4 संदिग्ध आते दिखे, जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी, जबकि दो भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश शातिर अपराधी हैं, जिन पर कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस, ऑटो, जेवरात बरामद किए गए हैं। पाली गैंग के अरेस्ट हुए हैं। ये जो अभियुक्त हैं, ये डकैती, लूट और चोरियां जो है उन्हें करते थे। कई मामलों में हमारे यहाँ से वांटेड ये क्रिमिनल हैं। अन्य प्रदेशों से, अन्य जिलों से भी ये लोग वांटेड हैं और काफ़ी संवेदनशील प्रकृति का गैंग है। इसके मेंबर्स पहले भी अरेस्ट हुए थे थाना सेक्टर 49 क्षेत्र में, और भी कुछ मेंबर्स हैं जो कि बचे हुए हैं। दोनों से पुलिस मुठभेड़ हुई है, दोनों को इसमें गोलियां लगी।